उत्तराखंड में कुछ दिनों से मौसम लगातार खराब चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओले गिरे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण चोपता में 15 पर्यटक फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ ने जनपद रुद्रप्रयाग में चोपता सड़क मार्ग पर पेड़ गिरने के कारण अवरुद्ध मार्ग को सुचारू करते हुए 15 सदस्यीय पर्यटक दल को रेस्क्यू किया है। ऊखीमठ पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि चोपता मार्ग पर ज्यादा बर्फ पड़ गई है, जिस कारण लगभग 15 सदस्यीय पर्यटक दल फंस गया है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनएच विभाग, जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि 25 से 30 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, क्योंकि सड़क पर पाले के कारण बर्फ जमने से फिसलन का भव्य बना है। वहीं पर्यटक स्थल चोपता में बर्फबारी का आनंद लेने आए यात्रियों ने जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमों का आभार और धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। दो दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण एनएच 107 ए कुंड चोपता और चमोली मोटर मार्ग जगह जगह पर अवरुद्ध हो गया था, और जिसके कारण कि चोपता में आए हुए जो यात्री थे वो भी यहां पे फंस गए थे। इसकी सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया, और यहाँ पर जेसीबी मशीनें जो रोड अवरुद्ध था उसको खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई, जो कि अभी कार्य गतिमान है, और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की भी प्रक्रिया जारी है। हम यहाँ पिछले तीन दिन से फंसे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो गई। देखने तो बर्फबारी आए थे हम, लेकिन इतनी बर्फबारी की उम्मीद हमें नहीं थी इतनी हैवी हो जाएगी, इसलिए हम लोग और हमारी गाड़ियाँ, काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं तीन दिन से। हम लोग इधर तीन दिन से फंसे हुए थे। फाइनली जब हमने कॉल किया तो एनएच की टीम, एसडीआरएफ की टीम और रुद्रप्रयाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी, और अभी हम लोग फाइनली बच गए।